झांझरपुर लोकसभा क्षेत्र की सांसद रामप्रीत मंडल ने पूर्व मध्य रेलवे बोर्ड की बैठक में झांझरपुर लोखा रेल खंड पर ट्रेन परिचालन से लेकर जिले में रेलवे से जुड़े विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से उठाया है। साथ ही सांसद ने पूर्व की बैठक में दिए गए एजेंडे पर जानकारी पूरी मिलने पर काम आधा अधूरा होने पर असंतुष्टि जताते हुए कहा कि कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर वह लोकसभा में सवाल उठाते आए हैं। दीगर बात है कि लोकसभा में रेल मंत्री के समक्ष उठाए गए कई मुद्दों पर सार्थक परिणाम आने पर सांसद ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कि जब एक एक कर सभी समस्याओं का रेलवे द्वारा निदान कर दिया जाएगा तो उनके लिए ये गर्व की बात होगी। सांसद ने आमान परिवर्तन के बाद झांझरपुर लोखा रेल खंड पर जल्द ही ट्रेन परिचालन शुरू होने की उम्मीद जताई और झांझरपुर आरएस बाजार में रेलवे को लेकर बरसात के समय लगने वाला भीषण जल जमाव की समस्या पर रेल अधिकारियों का एक बार फिर से ध्यान आकर्षण कराया। झांझरपुर में राम चौक पर ओवरब्रिज और मधुबनी में 11 नंबर गुमटी के पास बहु प्रतीक्षित ओवरब्रिज की मांग को दोहराते हुए कहा कि ये जनहित में जरूरी है। सांसद श्री मंडल ने रेल अधिकारियों से जयनगर में पटना गद्दी चौक के समीप लगने वाली जाम की समस्या से रेल अधिकारियों को रेलवे की जमीन में FCI गोदाम तक सड़क बनाने के लिए NOC देने की मांग की। वहीं साल 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जैन नगर में कमला बराज के शिलान्यास के दौरान निबंधन कार्यालय से शहीद चौक तक एक बड़ा ओवरब्रिज निर्माण कराने वाली बात की तरफ रेल अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराया और मुख्यमंत्री के निर्देशों का अनुपालन करने की बात कही। जयनगर में नेपाली रेलवे स्टेशन के समीप रेल ओवरब्रिज की अपनी पुरानी मांग को फिर से दोहराया। जयनगर से सप्ताह में एक दिन चलने वाली गरीब रथ का प्रतिदिन संचालन के साथ ही कई अन्य मुद्दों को बैठक में जोर शोर से उठाया। मधुबनी से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। बताते काफी हास हो रहा है, आज हम बैठक में और मेरा वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है जिसको लेकिन कई बार लोकसभा में दो कई बार माननीय रेल मंत्री जी चेयरमैन साहब इस बैठक समेत सैकड़ों पत्राचार के बाद आज झंझारपुर लोखा रेल में महरेल से वाचस्पति नगर तक अमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने के स्तर पर है और 17 एवं 18 दिसंबर को स्पीड ट्रायल ट्रेन लाइट इंजन को 100 किलोमीटर के उसके अधिक स्पीड में दौड़ेगी। ये हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। अब इस बैठक से पहले चर्चा हेतु मद उपलब्ध करवा दिया जाए परंतु कुछ हमारे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर के आम जनमानस के द्वारा प्रमुख मांग मंडल समिति बैठक के अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक महोदय समस्तीपुर रेल मंडल के प्रबंधक महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय मेरा एक्चुअली गला का ऑपरेशन हुआ थोड़ा इसी थी लिखे थे बस चार बार है खत्म हो जाए लिखा हुआ दे दीजिए नहीं ठीक है आप इतना बोल जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप पटना गद्दी चौक के प्रखंड रोड तक ट्रकों द्वारा सड़क जाम लगातार रास्ता में होने वाले आमजनों की कठिनाइयों से अवगत होकर पुराने लाइन वाली कच्ची सड़क को पक्कीकरण एवं FCI गोदाम तक उप रेलवे जमीन पर PCC सड़क निर्माण कराया जाए वो जनहित में हम है। जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप पुराने लाइन वाली कच्ची सड़क के पक्कीकरण कर FCI गोदाम तक PCC बनने हेतु ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC देने का कष्ट करें। दिनांक 17/12/21 को कमला बैरेज जयनगर के शिलान्यास करने हेतु बिहार के माननीय मुख्यमंत्री निबंधन कार्यालय से शहीद चौक जयनगर तक बड़ा ओवरब्रिज बनने हेतु निर्देश दिए थे लेकिन अभी तक कोई भी पाल नहीं हुआ, इस दिशा में कार्रवाई करने का कृपा करें। जयनगर महेंद्र चौक यूनियन टोला से पटना गद्दी जयनगर के बीच ओवरब्रिज के बीच इंडियन ट्रेन और नेपाली ट्रेन का रेल लाइन गुजरती है जिससे राहगीरों को काफी दिक्कत होती है। यहाँ पर या तो रेल ओवरब्रिज या अंडर पास सड़क निर्माण हेतु कार्रवाई करने का कृपा करें। मधुबनी रेलवे स्टेशन से आगे गौशाला राठी रोड गुमटी नंबर 13 के पास रेल ओवरब्रिज मुद्दा मैंने कई बार रखा हूँ, हमारे माननीय सांसद श्री अशोक कुमार यादव जी भी रखे हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है जो जिला के सबसे अहम गुमटी है और हमेशा जाम लगा रहता है, उसका अभी तक कार्रवाई का जानकारी साझा करते हुए निर्माण में पहल किया जाए। एक हो गया गरीब रथ साप्ताहिक ट्रेन को प्रतिदिन होने से देश की राजधानी में रहने वाले सभी बिहार वासियों को
यात्रा में कुछ राहत मिलेगी, इस पर विचार किया जाए। इसी के साथ बात बाकी, पिछली बार जो बैठक में मैंने अपना एजेंडा रखा था उसका जवाब तो मिला है, परंतु जवाब उतना संतोषजनक नहीं है। पुनः मैं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी से आग्रह करना चाहूंगा कि सिर्फ जवाब देने से ही काम नहीं बनता, उसको पहल करने के धरातल पर लाया जाए। इस बार भी मैंने आपको एजेंडा दिया हूं, उसमें सभी बिंदु पर जवाब कम काम अधिक होना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट हम श्री रामनाथ ठाकुर जी को बुलाएंगे।